वेलकम टू जज्बात पावर्ड बाय लक्स. भगत कॉफी स्ट्रॉन्ग नहीं है. वेलकम टू जज्बात पावर्ड बाय लक्स. शो पे कौन आ रहा है? एक क्यू कार्ड दो यार मुझे लाके कोई. शो पे कौन आ रहा है? सब चेक कर रहे. दो मिनट का मतलब क्या है? रोल करने जा रहे हैं हम लोग. फजीला कौन आ रहा है आज? अरे मुझे प्रिपेयर करना पड़ता है यार. संदीप, अरे शो पे कोई आ रहा है? कौन आ रहा है मुझे को बताएगा? संदीप, तो हमको बुलाया आया नहीं खुद यार. चले काम करते हैं, हम ही से बुला दें. हम होस्ट करें. चल. Ladies and gentlemen, welcome to Jazbaat powered by Lux. And please welcome our host and dost, the very good looking, the very talented, Rajiv Khandelwal. That's not true. Hello, bhai. Very smart, very nice. तुम भी कर सकते थे. प्लीज बैठो. थैंक यू थैंक यू. मेरा शो मुझसे हाईजैक सिर्फ मेरे बैचमेट्स ही कर सकते थे. थैंक यू सो मच. लेकिन मुझे अपना काम एक बार खत्म कर लेने दो प्लीज. वेलकम टू जज्बात पावर्ड बाय लक्स. और आज मेरे सामने दो ऐसे शख्स हैं जिनके साथ 2003 में मैंने अपना करियर शुरू किया था. एजाज खान एंड इकबाल. थैंक यू थैंक यू भाई. इतना लंबा अरसा निकल गया है. हाउ डज इट फील यार? I'm facing the camera with you again, man. Awesome. Yeah, in fact, we हम दोनों पहली बार कहीं तो होगा के बाद में कैमरा साथ में शेयर करें. Exactly. Yeah. तुम दोनों के नाम में खान है. That's the only common thing. Am I right? I guess. Yeah, because एक almost हरफन मौला है, दूसरा as good as मौला है. एक के घर में बहुत सारे कुत्ते हैं, एक के घर में सिर्फ मियाँ बीवी और बच्चे हैं. एक ने पूरी जिंदगी ज्वाइंट फैमिली में निकाल ली, एक ने पूरी जिंदगी अपनी फैमिली को ज्वाइन करने में निकाल ली. Am I right? Yeah. इकबाल, पहली बार तुझे याद है कब मिला था इजाज़ से? I think कहीं तो होगा कि सर पे मैंने एक छोटा सा कैमियो किया था कहीं तो. हाँ मुझे याद है. Of course किया. So you, I think, had gone by then. I had gone. So उस टाइम इजाज़, but I think he was sleeping in the van. Van में सो रहा था. यार उस टाइम. He was sleeping in the van alone. इजाज़ तुझे याद है? तुझे याद है कब मिला था? तुझे याद है तू मुझसे पहली बार कब मिला था? मुझे याद है सबसे पहले मैंने आपको ये फ्लाईओवर के पास कौन सा सेट था? कामत क्लब. कामत क्लब. हाँ. कामत क्लब में यू वेयरिंग अ सूट एंड यू वर सिटिंग और पूरे जेल्ड हेयर एकदम से नर्वस में. ये कौन बैठा है और ऐसा क्यों बैठा है? आई रिमेम्बर दैट वेरी वेरी क्लियरली. लेकिन उसके बाद मुझे याद है आप फिनोमिनन बन गए, आप सुजल बन गए, कैरेक्टर बन गया. अरे भाई आप बढ़िया. आई रिमेम्बर जब तू आया था मैंने तेरे कुछ डांस परफॉर्मेंसेस देखे थे और मुझे उस टाइम पे इतनी जलन होती थी. अगेन यू नो एक तो गुड लुकिंग लड़का आया, मेरा भाई बन गया है. यू नो ऑफ कोर्स एक्टिंग तो भी सीख ही रहा था बेचारा. हम भी सब सीख रहे थे लेकिन उस टाइम पे हम इसके सीनियर थे क्योंकि हम लोग थोड़े सेट थे शो के ऊपर. बट आई स्टिल यूज टू फील दैट इट्स ऑफ कोर्स अ फैंटास्टिक गाय, बहुत अच्छा आदमी. यू नो सीख रहा है, बात भी कर रहा है, बोला मुझसे थोड़ी गलती होगी तो प्लीज संभाल लेना आप लोग यार थोड़ा सा. आई रिमेंबर लाइन जिसको मिलती भी नहीं थी स्टार्टिंग में, फिर उसको लाइन देना शुरू किया. एंड देन हाउ ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ. बट लेट मी टेल यू एक और कॉमन थिंग तुम दोनों के साथ में जो हमेशा से रही है वो ये है कि लड़कियां तुम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं. कहा यार? हमेशा से. कमॉन तुम्हें पता है, तुम्हारा मुझे पता नहीं लेकिन मैं तो बहुत जलता रहा तुम दोनों से उस टाइम पे. इसकी आवाज आई मीन क्या तेरी, तू सुना दे अपनी आवाज एक बार तो यार. और ये तो ऑफकोर्स भैया गुड लुकिंग थे ही, डांसर भी अच्छे थे, कमाल के थे. मैं भूल गया तुम्हारे बीच में एक और कॉमन चीज है, एक बवाल डांसर, दूसरे कमाल डांसर. सो कमिंग गोइंग बैक टू आवर टाइम्स, यू नो जब हमने शुरू किया था लड़कियां इतनी ज्यादा पागल थी उस टाइम पे, मुझे अच्छी तरह से याद है. इकबाल तेरे साथ बड़ा ही कमाल किया तूने, इतनी लड़कियां तेरे ऊपर फिदा थी लेकिन तुझे तेरी लाइफ में एक मिली और तूने अपनी जिंदगी शुरू कर ली. एंड देन यू व्हाई एंड हाउ डिड इट ऑल हैपन? मुझे लगता है शादी जल्दी कर देनी चाहिए. कितनी जल्दी? मतलब 25-26 में हो जानी चाहिए. बट पहली लड़की से मिला वो तेरा पहला अफेयर था? हाँ. तू स्नेहा से कहाँ मिला था? स्नेहा नाम है? मैं कॉलेज में था तब, दिल्ली में कॉलेज कर रहा था और मुझे एक फाल्गुनी पाठक का म्यूजिक वीडियो एक ऑफर हुआ था वहाँ पे और उस वीडियो में एक छोटी सी लड़की थी उस टाइम,
जो स्नेहा थी छोटी मतलब तो छोटा था उस टाइम पे मतलब मैं शायद 19 का था वो 15-16 की होती तो मैंने सोचा कि नहीं तो मैं कहाँ इससे कभी मिल पाऊंगा फिर जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ फिर मैं स्नेहा से एक जगह टकराया बैंड्रा में और बस जिस तरह के बैकग्राउंड से तू आता है यू नो यू कम फ्रॉम अ कंजर्वेटिव मुस्लिम बैकग्राउंड स्नेहा वाज अ हिंदू तो प्रॉब्लम हुई प्रॉब्लम तब आती है जब लोग गलत सोचते हैं जब लोग ठीक सोचते हैं ना दोनों फैमिली जब ठीक सोचती हैं तो कभी प्रॉब्लम नहीं आती है तो स्टार्टिंग से बिल्कुल ठीक सोचा मुझे मुझे थोड़ा थोड़ा कभी लगता था कि शायद मेरी साइड से थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एकदम स्मूथ हुआ सब कुछ एंड नाउ यू हैव अ डॉटर आल्सो आई हैव अ डॉटर माशा हर नेम इज अमारा शी इज 6 इयर्स ओल्ड वाओ 6 इयर्स ओल्ड इससे तेरे को बहुत सारी टिप्स लेनी पड़ेंगी तेरे को नहीं यार मैं तो आया हूं यहां पे इसलिए हूं क्योंकि मैं जाज को कन्विंस करके जाऊंगा कि इसको बस मतलब इतना कन्विंस करेंगे हम दोनों इसको मिलकर कि ये बाहर ब्रेक में जाएगा और वापस शादीशुदा है क्यों भाई मैं कुछ अच्छा नहीं पता नहीं ये बाहर ब्रेक में जाएगा इसका अफेयर हो जाएगा फिर जब तक वापस आएगा तब तक इसका अफेयर खत्म ही हो जाएगा नहीं यार नहीं कर रहे हैं मुझे कुछ एजाज कितने अफेयर रहे हैं तेरे पता नहीं यार आई डोंट किस एंड टेल फिर भी एक सच बात बताऊंगा मैं कभी लड़की के पीछे नहीं गया अच्छा टेल मी वन थिंग तू खुद ही मुझे बता तेरा ऐसा कोई एक अफेयर जो तुझे लगता है कि काश उसमें कोई गलती नहीं हुई होती यू नो वो आज आई थिंक माय सेकंड लॉन्ग टर्म अफेयर जब मैं बालाजी कर रहा था एंड देयर वाज समबडी स्टेइंग विद मी जो मेरा इतना ख्याल रखती थी कि मुझे सिर्फ सुबह उठ के बस अपना डब्बा लेके मुझे काम पे जाना था 16 घंटे 20 घंटे 30 घंटे जब भी हम शूटिंग ख़त्म करते थे वापस घर जाता था खाना रेडी रहता था मैं सोता था 3 घंटे में वापस आ जाता था एंड शी इज टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड आई थिंक द वन एंड ओनली टाइम जब मैंने किसी पर चीट किया आई एम सॉरी मैंने चीट किया उन पे तूने चीट किया बाद में शायद पता भी लगा मैंने कन्फेस भी किया बहुत रिपेयर करने की कोशिश की पर आई थिंक थोड़ा अनरिपेयरेबल डैमेज हो चुका था एंड देन हमने बस डिसाइड किया कि वी शुड लेट गो दैट विल बी द बेस्ट आई थिंक मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट वही रहेगा ये तो चेहरा एक वो अफेयर था जिससे जहां तुझे लगता है कि तुझसे गलती हुई थी ऐसा कोई अफेयर जहां तुझे लगता है कि वो अफेयर ही बहुत बड़ी गलती थी चल कितने गिले अरे यही बात करेंगे हम नहीं नहीं इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे आज तो ऐसे था कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग सीरियस अफेयर मैं कुछ वक्त के लिए फ्री था सिंगल था इकबाल कांट रिलेट चलो यार देयर विल बी सम पीपल हु रिलेट विद मी तो बहुत पार्टीज हुआ करती थी एंड ऑल ऑफ अ सडन मैं बहुत बाहर रात में जाने लगा एंड आई स्टार्टेड मीटिंग अ लॉट ऑफ गर्ल्स एंड एक ऐसा हुआ कि मैं एक शख्स से मिला जो मेरे घर में रहने लगी क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम था वो शिफ्ट कर रही थी नहीं कर रही थी और फिर हमारा फिर अफेयर शुरू हुआ कुछ एक आध महीने के लिए और मैंने रियलाइज़ किया कि ये गलत है ये कुछ ज़्यादा हो रहा है तो मैं बात करने लगा कि शायद वी शुड बी टुगेदर बट वो थोड़ी सी कैरिड अवे होने लगी एंड मेरे साथ रहने के लिए उन्होंने कुछ कुछ अजीब किया यार अजीब हरकतें की उन्होंने कुछ पुलिस केस है कुछ तो ऐसा करने की कोशिश की जिसके वजह से मैं तनु वर्जमानी के प्रमोशंस पर नहीं जा सका और जब बात मेरे डैडी और मेरे भाई पर आई तब मुझे बॉम्बे छोड़ना पड़ा 2 महीनों के लिए ये एजाज इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये तब की बात है जब तेरे ऊपर रेप का आरोप लगाया जी हाँ
उन्हीं ने लगाया था? जी हाँ। How was it? Do you think कि तू सेलिब्रिटी था और you know a man who is a celebrity and who is in love? Do you think you were a target? मैं ये नहीं पूछ रहा कि कौन सही था कौन गलत था। नहीं यार। But do you think कि तेरा शायद हम हमारा सेल्फ वर्थ दूसरों को खुश करके वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे नहीं बोलने में तकलीफ होती है किसी को और शायद उसी बहकावे में आके बातें एक हद तक पहुंच जाती है फिर मैं उसे रिपेयर नहीं कर पाता। तो आई थिंक ये हुआ था और वाज दैट अ डिफिकल्ट पीरियड ऑफ कोर्स बिकॉज़ आप अपने यू नो डोंट आस्क मैं बर्तन धो के खाना खाया हूं तब आई डिडंट अभी तो ऑन हाइंडसाइट आई शुडंट बी सेइंग समथिंग लाइक दिस अबाउट हर शी इज मैरिड शी इज गॉट अ डॉटर लेकिन तब इतना डिफिकल्ट पीरियड था ना मुझे ऐसे लगने लगा था कि शायद ही मैं इसे वापस आ पाऊंगा। बट ये वही इंसिडेंट था जहाँ पे ये तेरे कुत्तों को लेके चली गई थी तेरे घर को लेके चली गई थी और इसके पास सब कुछ और इसके ऊपर एक रेप का आरोप छोड़कर गई थी छोड़ा था वो सिर्फ एक रेप का आरोप था पूरा घर साफ कर दिया था मतलब कुत्ते तो तेरे थे ना लेकिन मेरे थे लेकिन जब मैं वापस आने के बाद उन्हें कॉल किया था उन्होंने बोला था तुम्हारी जान उसमें अटकी मैं कभी नहीं दूंगी लेकिन मिल गया वापस इकबाल तेरा तो स्कैंडल अफेयर किसी के साथ में नहीं हुआ लेकिन ऐसे बहुत सारी लड़कियां थी जिन्होंने तुझे अपने अपना सपनों का राजकुमार मान लिया था और मामला वहीं पे खत्म नहीं होता था मामला घर तक पहुंचता था। याद है तुझे कोई ऐसा इंसिडेंट? वो उस टाइम जब हम सब एक साथ टीवी कर रहे थे वो उस टाइम मुझे जो थोड़ा शॉकिंग लगा था ना वो ये था कि मेरा भाई आया हुआ था तो उस टाइम ये कोई तो थी कोई लेडी जो अमृतसर से फ़ोन करती थी तो बार बार फ़ोन करती थी कुछ तो करती थी कैसे है क्या उनको थोड़ी देर के बाद वो मुझे ये कहने लगी कि मैं कहाँ हूँ अभी आप यहाँ हो आप सीढ़ियों से नीचे क्यों उतर गए मतलब ऐसा हो रहा है तो वैसा और मेरे भाई उस टाइम उसको फ्लाइट लेनी थी और बारिश बहुत हो रही थी मैंने कहा उसने कहा मुझे नहीं मुझे बस एयरपोर्ट छोड़ दो तो मैंने कहा मैं चल छोड़ देता हूँ किसी भी हालत में चलते हैं और मुझे फ़ोन आया अपने भाई को एयरपोर्ट मत छोड़ना बारिश बहुत हो रही है तो हम सब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था नहीं था फोन होते थे यार और फोन नंबर मिल जाते थे लोगों को हाँ लेकिन फोन नंबर मिलने के बावजूद भी इतना बारीकी से जानना कि अभी इस उसको कैसे पता चला कि मेरे भाई को फ्लाइट पकड़नी है वो थोड़ा स्कैरी था। और कभी मिला तो उससे क्या हुआ या अपने आप ही फिजल आउट हो गया? नहीं नहीं वो अपने आप फिजल आउट हो गया। तेरी लाइफ में कोई स्टॉकर? यार बहुत स्टूपिड इंसिडेंट्स हो चुके हैं। इनफैक्ट एक लड़की ने इंटरव्यू दिया था कि हम मिले थे एंड बिकॉज आई वाज प्रेग्नेंट ही ब्रोक द अफेयर उसने मेरे सर पे जूस फेंक दिया ये इंटरव्यू आया था आई डोंट नो हु शी इज आई डोंट लेकिन कुछ अच्छे हादसे भी हुए फॉर इंस्टेंस के जेन करके एक लड़की थी जो स्कॉटलैंड से थी वो सेट पर भी आई थी मेरे से मिलने के लिए and she and her husband they started a charity organization and she's not there anymore she was fighting with cancer lekin that organization still runs so kuch acche log bhi the jo aake mile mostly acche log mostly you are a very very good dancer aur tujhe lagta hai tu abhi bhi acha dancer hai ha yaar ek acha dancer main tujhe tab marunga jab tu do non dancers ko dance karke dikha dega chal राजीव मैं मुझे तो सब जानते हैं मेरे को नहीं आता तू क्यों भाई अपनी अपन ये साथ में कम ऑन लेट्स हैव सम म्यूजिक प्लीज 5 6 7 8 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 अमीर खुसरो साहब ने एक बार कहा था गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह यहीं है यहीं पर है यहीं पर है। इकबाल तेरा बचपन पूरा कश्मीर में गुजरा कुछ बचपन की यादें? कश्मीर ऑब्वियसली मेरे डैड मॉम भी वहीं रहते हैं। कितना खूबसूरत है वो वैसी दुनिया में कोई जगह नहीं है सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो एक खूबसूरत जगह है लेकिन वहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं। डू यू रियली मिस
that air, वहाँ की हवा. Of course, मतलब जब भी अभी भी जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो the minute plane का दरवाजा खुलता है और वो जो हवा आती है ना वहाँ की, वो और जो खुले खुले घर. वहाँ के लोगों को मिस करता है? वहाँ के उनकी क्या खास बात है लोगों की वहाँ पे? उनकी जो हॉस्पिटैलिटी है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं. मैं अपनी वाइफ को जब पहली बार लेके गया था ना, तो मेरी मॉम ने कहा दो तीन रिश्तेदार हैं उनके, जरा चलते हैं. मैंने कहा मम्मी क्या है, तो बाद में कर लेते हैं. कहते नहीं नहीं आ जाओ आ जाओ. तो हर घर जब गए ना, तो आई वॉज यूज टू इट, यू नो. हर जगह जब जा रहे हैं, खाना आ रहा है, वो आ रहा है, चाय आ रही है, वो, और हर जगह बहुत, और खाना ही खाना है. नहीं खाना तो मतलब बुरा हो जाए. कश्मीर में एक बड़ी टिपिकल चीज़ होती है, जो प्यार से बोलते हैं प्लीज, ऐसे प्लीज करते हैं ना, तो ऐसे करते हैं प्लीज ऐसे. अभी स्नेहा को पता नहीं है. तो मेरी आंटी आई, तो स्नेहा ने बोला नहीं थैंक यू. तो वो आई, उसके सामने ऐसे बोलती गलत हो जाएगा. वो सोच रही मैंने क्या गलत कर दिया. इट वाज जस्ट आउट ऑफ लव, यू नो. सो इट इज, इट्स अमेजिंग. कोई बचपन की ऐसी याद कि कुछ ऐसा हादसा हुआ हो और तुम सब लोग, नो एनीथिंग दैट यू रिमेम्बर फ्रॉम द पास्ट? एक्चुअली यू नो व्हाट राजीव, मैं कश्मीर के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करता हूँ, क्योंकि 90% पॉपुलेशन जो हमारी मुल्क की है वो टेलीविजन न्यूज देखती है और उसको देख कर जज करती है जगह को. तो न्यूज को देख के अगर आपने कश्मीर को लेके अपनी जजमेंट बनाई है तो वो बेवकूफ़ी. You know, I have a lot of troubled memories also. मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी memories जहाँ पे खौफ जबरदस्ती का बनाया जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, but लोग जो हैं वो इतने प्यार से आपको रखते हैं. तेरी कोई ऐसी haunting memory है which you won't tell the world कि यार, you know, जो चाहे तेरे साथ में हुआ, तेरी फैमिली के साथ में कभी हुआ हो? शुरू शुरू में ना, जब ये सब शुरू हुआ था उस दौरान मुझे याद है, जो भी क्रॉस फायरिंग होती थी यूजली रात को ही होती थी. तो पहली बार जब वो हुई थी तो हमें कुछ पता नहीं था क्या हुआ है. बड़ी नज़दीक में क्रॉस फायरिंग हुई और सारे घर की 3 स्टोरीज सारी लाइटें बंद कर दो, गली में आके बैठ जाओ, बाहर आवाज़ें आ रही हैं, गन की वो आ रही है. आप उस माहौल में ज़्यादा देर रहोगे तो आप इट हैज़ टू हिट यू समवेयर. और हर कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सफ़र किया है, हर एक ने इससे. तो उस माहौल में जब बढ़ता है इंसान, तो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर एक थोड़ी कड़वाहट आ जाती है. मुझे ऐसा लगता है जो 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 एज यू सेड कि वहाँ कभी कुछ ऐसा लगता है जैसे खौफ है, कुछ पॉलिटिकली है, वैसे किसी इंसान को बहकाना बड़ा ईजी हो जाता है. और ये जो पोलिटिकली चार्ज, रॉन्गली चार्ज लोग होते हैं, वो इसी चीज़ का फायदा उठाते हैं. मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज जो तू है, जैसा भी है, डू यू थिंक अ लॉट, बहुत कुछ कश्मीर से आया तेरी पर्सनैलिटी में? सब कुछ, अपब्रिंगिंग, द फैमिली, सारा कुछ, सब कुछ. मैं मेरे फादर और मेरे मदर दोनों, वो उन्होंने जो बेसिक लेवल जो होता है ना, उससे हम 4 भाई बहन हैं, सबको वैसे ही बड़ा किया है. एब्सोल्युटली एजाज, मैं कितने सालों से जानता हूँ तुझे, हर बार तुझसे मिलता हूँ तो हर बार एक कुछ डिफरेंट फेज चल रहा होता तेरी लाइफ में. कभी अकेलापन होता है, कभी एक तू मिलता है बड़ी वार्मली मिलता है, लेकिन मालूम है कि यार कुछ एक, यू नो, दिस इज नॉट एजाज, ही इज मिसिंग समथिंग. तुझे लगता है कि ये सब कहीं ना कहीं इसके तार तेरे बचपन से जुड़े? बहुत ड्रामा था यार, बहुत जरूरत से ज्यादा था. माई मॉम लेफ्ट अस When I was 4 years old, 4 साल का था मैं. छोड़ गई थी तब, मेरे पापा मम्मी सेपरेट हो गए थे. जी हाँ. तू किसके साथ रहा? डैडी के साथ. अच्छा. लेकिन बचपन में वैसे मुझे अपने मम्मी पापा के बारे में ज़्यादा याद नहीं है, बिकॉज जैसा मैं पैदा हुआ था, मेरे और मेरे भाई के बीच में सिर्फ 14 महीने का डिफरेंस है. तो माई मॉम वॉज प्रेगनेंट और वो ख्याल नहीं रख सकी मेरा, तो मैं
aunts ke through I think pass on kiya gaya. To mujhe zyada memories hai nahi mere mom ke bare mein aur unhe Parkinson's syndrome hua tha. Which was diagnosed much later. Lekin wo jab gayi to hame to zyada samajh mein nahi aaya aur hum apni zindagi jeete gaye school mein. Uske baad to kabhi mila mummy se? हाँ. जब मैं सेकंड में था 7 साल का था तब मुझे ओह गॉड आई एम रिवीलिंग सो मच. पहली एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो भी हम जिंदगी में डिसीजंस लेते हैं वो एक बहुत इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पर होते हैं और सिचुएशनल होते हैं. इन नो वे डज दिस रिफ्लेक्ट बैडली ऑन माय फादर. मेरी आधी जिंदगी उनसे झगड़ने में गई है. अब ही इज माय बेस्ट फ्रेंड. बहुत छोटी बात है अगर मैं ये भी सोचूं कि मुझे उन्हें फॉरगिव करना चाहिए. उन्होंने अकेले मुझे मुझे और मेरे भाई को पाल पोस के बड़ा किया, काबिल बनाया. तो इट्स वेरी कमेंडेबल ये अकेले करना. ये मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि उस टाइम मुझे लगता था कि मेरे डैडी से बहुत गलतियाँ हुई. तो सेकंड में मुझे कॉल आया कि आपकी मम्मी डेथ बेड पर है. तो मैंने आके अपने डैड से कहा और फिर वी टुक अ फ्लाइट, मी माय ब्रदर माय फादर एंड माय अंकल. और जब हम वहाँ गए तो मॉम हॉस्पिटल में थी एंड शी वाज वेरी पैरालाइज्ड, बहुत स्टिफ हो गई थी. टू गेट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर हम वहाँ 1-2 महीने रहे. हम वापस आए, घर लेके आए, लेकिन तो भी आई थिंक मेरे डैडी की और मेरे मॉम के फैमिली की ज़्यादा बंद नहीं रही थी और कुछ ऐसे हादसे हुए जिसके वजह से माय डैड सेंड अस बैक. सेकंड में हम हैदराबाद गए थे. हम वहाँ रहे 2 महीने. मी एंड माय फादर माय ब्रदर केम बैक और उन्होंने हमें कहा कि दैट चैप्टर ऑफ माय लाइफ इज क्लोज्ड. इसके बावजूद मेरी जिंदगी की हर एक रात जब तक मैं अपने डैडी के साथ रहा, रात में हम दुआ करते थे कि शाइन अम्मी को जल्दी ठीक करके हमारे पास वापस भेज दो. आई रिमेम्बर दैट. यू नो वी कैन रियली अंडरस्टैंड एंड आई कैन जस्ट फील इट कि कैसा रहा होगा. बट तुम सिर्फ 2 भाई हो? नहीं, हमारी एक बहन भी है. बहन कहाँ थी उस टाइम पे? सो हम सेकंड में वापस आए और 3rd स्टैंडर्ड में मुझे स्कूल में वापस कॉल आया कि आपकी बहन पैदा हुई है. जो जो भी अनफॉर्चुनेटली थिंग्स वर नॉट एक्सेप्टेड. बट दैट सिस्टर आई एम सेइंग दैट यू दैट शी ग्रू अप अलोन. शी ग्रू अप विद माय नानी, विद माय नाना. शी ग्रू अप इन हैदराबाद. हम कभी उसे मिले नहीं. जब मैंने इंजीनियरिंग शुरू की, जब मैं घर छोड़ चुका था, तब मैंने अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड ब्रायन को बोला कि देख ऐसा मेरे सिस्टर ने एक लेटर लिखा था हमें. तो मैंने कहा कि शायद मेरी बहन है हैदराबाद में और मैं जानना चाहता हूँ ये क्या है. तो तब तो पैसे वैसे हुआ नहीं करते थे ज़्यादा. तो आई रिमेम्बर ब्रायन ने मेरे और उसकी बस की टिकट्स बुक की. हम हैदराबाद गए. हैदराबाद में 1-2 दिन हमने हैदरगुड़ा एरिया ढूंढा, घर मिला. तो वहाँ से पता लगा कि माय नानी पास्ट अवे इन 91. माय मॉम पास्ट अवे. मुझे पता भी नहीं था. तुमको पता नहीं था कि तेरी मम्मी? किसी ने बताया नहीं. तो वहाँ हैदराबाद में घर नहीं मिला तो हम निज़ामाबाद गए क्योंकि वहाँ शिफ्ट हो चुके थे. तो फाइनली हम एक घर पहुँचे. मैंने दरवाज़ा खटखटाया और एक
13 साल की लड़की ने दरवाजा खोला जो मेरे भाई की रेप्लिका है और दो चोटी है बस। और that's where I met her for the first time. And she was 13. उसे मालूम था कि तू उसका भाई है? हाँ, पहचान लिया उसने। तो उन्हें बहुत कुछ अलग बताया गया था, हमें यहाँ बहुत अलग बताया गया था। तो यू नो, उस रिश्ते को निभाते 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 अब जाके हम असली भाई बहन बने। तू उसके साथ टच में रहा? हाँ हाँ, फिर वो दैट बिल्ड द ब्रिज जब मैं पहली बार गया। फिर मैं नाना के साथ पूरी रात बैठा रहा, उन्होंने बहुत माफ़ी भी मांगी, उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है। अब मैं बस इमेजिन ही कर सकता हूँ कि व्हाट माय सिस्टर वेंट थ्रू। और फाइनली एक अच्छी चीज़ और नेक चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में की जो मेरे पूरे जिंदगी का निचोड़ निकालती है, वो मैंने अपनी बहन की शादी करवाई। और जहां साइन करते हैं वहां बाप की जगह मैंने साइन किया। हाँ, और आज अगर मुझ पे कोई रौब झाड़ सकता है वो सिर्फ मेरी बहन है। तू इतनी बातें कर रहा है, तूने कहा कि आंख बंद करके तेरे ऊपर कोई रौब जमा सकता है तो तेरी बहन है। तो दो मिनट के लिए आंखें बंद कर, तेरी बहन का तेरे लिए एक मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम भैया, आई लव यू वेरी मच एंड आई प्रे दैट एवरी गर्ल शुड गेट अ ब्रदर लाइक यू। वी मेट लेट इन लाइफ, हमारा बचपन साथ नहीं गुजरा, काफ़ी कुछ मिस हो गया, बट वी कनेक्टेड ब्यूटिफुली। आई वॉज 13 व्हेन आई सॉ यू फर्स्ट एंड वॉज वेरी हैप्पी टू सी यू। मैं दिल में ये सोच रही थी कि ये मेरे भाई हैं। And yes, I was thinking I have someone जिसे मैं अपना भाई कह सकूँ। You are like father to me. You have been very supportive. आपको मम्मी का प्यार नहीं मिला लेकिन आप मुझे मम्मी डैडी का प्यार दिए, हमेशा मुझे सपोर्ट किए, मेरी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, इतने प्यारे तरीके से शादी करवाए मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह, I'm blessed to have a brother like you. सिर्फ आपकी वजह से आज मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास ब्यूटिफुल फैमिली है। People don't know about you. They only know that you are an actor. लेकिन I know आपका दिल बहुत खूबसूरत है। You have a beautiful heart. You can't see anybody in pain. बिना कोई मतलब के आप लोगों की help करते हैं। I have seen that. You don't want to show anybody what you do. You help orphanage kids. You love children a lot. And I'm really proud of you. Really, really proud of you. You are amazing, kind and generous person. I have no words to express the love and respect within my heart for you. मैं यही दुआ करूंगी हर लड़की को आप जैसा भाई मिले। We all together make a beautiful family, भैया। We all love you a lot. Love you always. And that's how I'm successful in life. That's all that I need. And we also love you. Thanks, man. I'm really very happy for you, Jaz. I'm glad at least there is साथ में कोई तो है जिसके साथ में now you feel and you can be yourself. And I hope your relationship हमेशा इतनी खूबसूरत रहे और stronger बने, you know. And you have a wonderful life. So coming back to the basic thing, do you think, तेको लगता है ये सब चीजें होने की वजह से आज जब तू therapy के लिए जाता है, पहले बात तो ये बता दें लोगों को कि therapy किस therapy के लिए जाता है तू? यार हमें बुखार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बराबर। तो उसी तरह से अगर डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, यार हमारे खानदानों में एक बहुत गलत है, लड़का है तो रो रहा है, कैसे रो सकता है तू? अरे नहीं, हम अपने जज्बात दिखाते नहीं और मर्द बनने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं, नहीं मुझे कुछ नहीं होगा। तो यार वो करते 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 यू रीच अ पॉइंट वे यू इवेंचुअली ब्रेक। तो फॉर ऑल दीज रीजन जो बचपन में मेरे डैडी के साथ रिलेशनशिप ख़राब थी, जो मदर के जो अबैंडनमेंट इश्यूज होते हैं उनकी वजह से, जो सेपरेशन एंग्जाइटी होती है, सो अभी भी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थेरेपी के लिए क्यों जा रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मैं बहुत उदास रहता हूँ, डिप्रेस रहता हूँ, कभी कभी एंग्जाइटी अटैक्स भी होते हैं जो चार चार घंटे के लिए मैं रोता हूँ और मुझे पता नहीं क्यों रो रहा हूँ। और फिर एंग्जाइटी क्यों होती है? क्योंकि आपको एंग्जाइटी हो रही है, बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन।
एंड कुछ कुछ रोल्स मैंने ऐसे किए हैं ना जहां मैंने अपने रियल लाइफ को सुपर इम्पोज किया रोल्स में, तो दैट टेक्स अ टोल यार. तो उसके लिए भी मैं थेरेपी के लिए जाता हूँ. आई थिंक आई एम नॉट एट ऑल अशेम्ड अबाउट दिस. पर तूने एक बात ना बहुत सही बोली अभी कि यू नो हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा है, एक पता नहीं लोग इसको शर्मिंदा होते हैं ये बात मानने में कि यार मुझे तकलीफ है, मुझे डिप्रेशन है लाइफ में, यू नो मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ. जिसके लिए एक डॉक्टर है, आप काउंसलर है, आप जा सकते हैं उसके पास में. आई होप कि अवेयरनेस आए. एक बार तेरी लाइफ में कभी ऐसा कोई फेज आया जहाँ जहाँ तुझे बैटल करना पड़ा हो डिप्रेशन के साथ? मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ था उस टाइम. आई वाज प्रीटी लकी, मैं आया और मुझे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोज मिल गए करने को, और मैंने आते ही दो फिल्में साइन कर ली और वो दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई. तो वो जब फिल्म फ्लॉप हो गई ना, तो उसके बाद एक 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 लंबा फेज आया जब जीरो काम, मतलब कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ. और उस तब मैं खुद को सोचता था, मैं ये क्या हो गया अचानक, शायद कुछ तो गड़बड़ है, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ. और मुझे लगा कि यार ये तो गड़बड़ है, अभी तो मुझे लगता है वापस जाना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं हो सकता. और उस वक्त टीवी ने मेरे को बचा लिया. अच्छा, उस वक्त एक जो होप की जो रे होती है वो स्नेहा थी मेरी लाइफ में, तो वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती थी कि नहीं नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा. आई टुक अप दैट शो, माई फर्स्ट शो. वो सिर्फ इसलिए मैंने किया कि अगले महीने का रेंट आ जाना चाहिए, बस उसके बाद में देख लेंगे. नो लुकिंग बैक मैन. और उसके बाद वो क्या हो गया? सुपर्ब है. एक और जोन में अभी हम जाते हैं, यहाँ पे यहाँ देखते हैं कि कितना फोकस तुम लोग कर सकते हो. तो ये फोकस गेम है, फोकस. तो आपके पास में एक रिंग होगी, वो आप अपनी कमर पे एक रिंग को लेके घुमाएंगे. मैं कुछ सवाल पूछूंगा जिसका तुम्हें जवाब देना है व्हाइल यू आर होल्डिंग दैट रिंग ऑन योर. एक मिनट, मेरी बेटी बहुत करती है, मतलब है ना. हाँ, तो देखा तू कितना सीखा है उससे. भाई मैंने सीख पाया अभी तक. मंगा ले हुला हूप. तब तक मैं सीख भी लूंगा. शुरू कर, शुरू कर, शुरू कर. गो. वन टू थ्री. गंदा का उल्टा. साफ. गुड. कंप्लीट. कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है तुम्हारी. स्नेहा का बर्थडे. मेरी बेटी का सेवंथ होता है और उसका थर्ड होता है, इसलिए मैं थोड़ा कभी कभी कंफ्यूज होता हूं. स्नेहा की मम्मी का बर्थडे. गो अगेन. तेरा एटीएम पिन. ओके, चलिए इजाज़ आ जा, बैठिए सर. अब मैं देखना चाहता हूँ. एक मिनट. हाँ. वन टू थ्री. तेरे फोन पे लास्ट डायल्ड नंबर. पता नहीं, पता नहीं. उठा. चतुर का उल्टा. मित्र. कंप्लीट. ससुराल गेंडा. जो गर्लफ्रेंड से छोड़ के चली गई थी उसका बर्थडे. ओके, वन मोर टाइम. वर्ड रैमिंग विद लक. लास्ट वन. तेरे एटीएम का पिन. बस, थैंक यू सो मच. बहुत सीरियस बातें हो गई. एक काम करते हैं, इसकी लव लाइफ सेट करते हैं. आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट गिफ्ट दैट वी कैन गिव हिम ऑन दिस शो. आई एम ऑन. है ना. तो एक काम करते हैं, इसको ब्लाइंड फोल्ड करते हैं, इसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और इसकी लव ली लेडी को यहाँ बुलाते हैं. नहीं, और ये एक्चुअल में खुद ढूंढेगा ये कि उस लेडी का दिल कहाँ है. यार क्या कर रहे हो. तो भैया वो लेके आओ, पट्टी लेके आओ जो इसके हम आंखों पर बांधेंगे. लाइए वो. हाँ. आजा आजा, हाथ पकड़ ले. ऐसे पकड़ ले. आजा आजा आजा. ओके. और अब प्लीज वेलकम द लवली लवली. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो. आवाज मत करना, बातें मत करना. हाउ आर यू? थैंक यू. आप डायरेक्शन देंगे उन्हें कि आपको यहां तक लाना है. जाज उनका दिल ढूंढेगा कि उनका दिल कहाँ. जाज, are you ready? Hey, hey. चल ना. Just turn to right, right घूम जा. Walk straight. ये straight है. आजा 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 आजा. बिंदास आजा 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 आजा. Stop.
अभी लेफ्ट घूम, अभी सीधा आगे आगे आगे, आजा आजा आजा, आगे जा, आजा 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 आजा, भाई जो भी है माफ करो यार, आजा आजा, कोई बात नहीं है, फ्रेंडली है, आजा, आ बस रुक, हाथ नीचे कर अपने, अब मैं तेरे को बोलता हूँ कि इनका, सॉरी मैम प्लीज, इनका इनका चेहरा कहाँ है? थोड़ा राइट अपने, थोड़ा राइट, थोड़ा अच्छा हाँ चल अपने, अब मुंह उड़, मुंह 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 फेस कैसे अबे करेक्ट, अभी कैसे हाउ हाउ विल यू होल्ड, बस अब पहला मौका तेरा, तू दिल ढूंढ कहाँ होता है? थप्पड़ नहीं मिलेगा दिल, अरे सॉरी मैनी क्वीन जी, किधर है आपका तोड़ मार लगा रही हो, मैं नहीं लगाना चाहता बहन जी, ये बोल रहा है बस हो गया, अरे नहीं एक, अरे कम से कम दिल तो ढूंढ, एक बार ढूंढ किधर है, अच्छा चल दिल अभी पप्पी ले लूंगा चुप, ओके इजाज़, इनके पूरे शरीर में तीन दिल छिपे हुए हैं, तुझे वो तीन दिल निकालने हैं, एक्चुअल है यार, हां अच्छा तप्पड़ मत मार, स्टॉप थिंकिंग जस्ट टू डू, कुछ कुछ आई डू माइसेल्फ, हां हां बस बस उधर ये ये ये, हां देख है वहां पे क्या है, यस अब बस, और वहीं देख नीचे उस वेस्टकोट में देख, वेस्टकोट मिला करेक्ट, और इस वेस्टकोट में इस साइड में देखना कुछ और है, अच्छा पीछे नहीं है, पीछे मत देखना, नहीं यार ये कपड़ा इसके अंदर है क्या, देख ले मुझे क्या पता इसके अंदर दिल कौन सा, अच्छा चल अच्छा ले, रे अगपाई सुपर, आ जा भैया ये ले तेरी लव लाइफ, गले मिल ले भाई, तूने उसके तीन तीन दिल चुरा लिए, थैंक यू मैडम, सॉरी मैंने आपको जा भी छुआ, बैठो आप यहीं रहिएगा, मैम आप अपने दिल वापस ले लीजिए, मैंने काफी दिल एक माला लगा दिया, तू बार बार हाथ लगा रहा है, तो अब यही गेम हम खेलेंगे इकबाल के साथ, मुझे सेम गेम खेलनी, सेम गेम खेलनी तेरे को, अब मैं छुपाऊंगा इसको, लेकिन अच्छी जगह छुपाना यार, हां मैम इकबाल स्ट्रेट चलते आ जा, आराम से आजा, 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 टेढ़ आजा, रुक, लेफ्ट, चार स्टेप आगे ले, वन टू थ्री फोर, टर्न राइट, आगे अभी आते रहे, अभी हाथ ऊपर ले, फेस किधर रहेगा देख, फेस को हाथ पर लगा, हाँ अभी फेस के पास लेके जा बेटा, उसको उनके परफ्यूम से मालूम पड़ गया होगा यार, सो प्लीज वेलकम इकबाल की जिंदगी का पिलर, उनकी बहुत ही खूबसूरत वाइफ स्नेहा खान, थैंक यू स्नेहा, थैंक यू सो मच आने के लिए, तो बहुत टाइम से यू नो आई मीन ऑफ कोर्स इट्स बीन ऑलमोस्ट हाउ मेनी इयर्स ऑफ मैरिज ना, 11 इयर्स, क्या कर रहे हैं आप, कुछ दो मिनट नहीं हुए बैठे हुए साथ में, एंड ही इज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्लर्टिंग, चल तेरी तेरी लव लाइफ को एक नाम दे देते हैं, जस्ट गिव हर अ नेम, अब कौन सा नाम दूं मैं, आप ही दे दो सविता, वी विल कॉल हर सविता, सविता आज हमारे सामने काउच बैठे हैं इकबाल और उनकी खूबसूरत वाइफ स्नेहा, एजाज और उनकी लव लाइफ सविता, सो इकबाल एंड स्नेहा अगेन 15 साल 11 साल शादी को और 15 साल साथ में, सो जैसा कि इसने कहा था कि यू नो एक पहला म्यूजिक वीडियो उसने किया एंड वहीं पे ही फेल हेड ओवर हील्स इन लव विद यू, एक्चुअली हम वीडियो पे मिले, फिर ये गए वापस दिल्ली, मैं गई वापस बॉम्बे, फिर 2 साल बाद मैं जा रही थी अपने फ्रेंड को मिलने के लिए कॉफी शॉप पे,
तो मैं निकल रही थी अपनी बिल्डिंग से और मैंने देखा इनको, फिर मैं आगे चलने लगी, मैंने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। और तुम लोग साथ में वीडियो शूट कर चुके थे? जी, क्योंकि इनके बाल लंबे थे उस टाइम, उन्होंने मूवी का एक शूट खत्म किया था तो उनके बाल लंबे थे। फिर मैं उनको देखती रही, वो भी मुझे देखते रहे, तो मैंने बोला कि फेमिलियर फेस है, तो फिर मुझे लगा ओ गॉड ये इकबाल है, तो फिर मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। फिर लेकिन यही बीइंग द ट्रू जेंटलमैन ही केम अप टू मी और फिर हमने नंबर्स एक्सचेंज किए, उससे ही फिर शुरू हुआ हमारा। और आपने कोई प्रॉब्लम फेस की जब बात शादी पे आई कि मम्मी मैं इकबाल से शादी करना चाहती हूँ? वो तो था ही शुरू में, बट जब मम्मी मिली इकबाल को तो बस she was in love with him, तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। इफेक्ट है वैसे सब पे। All the mummies love him. yeah, mummies, mummies daughters. everyone loves. Yeah. So tell me, इसको इतनी अटेंशन मिलती थी, मिलती है, तुमने कैसे डील किया? तुम यू नो आई एम श्योर बिकॉज तुम इंडस्ट्री की नहीं हो तो तुम्हें जी इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, सो कैसे हैंडल किया तुमने उस टाइम पे? एक्चुअली शुरू में जब इन्होंने कैसा ये प्यार है शुरू किया था तो मेरे लिए मुश्किल था। आई एम नॉट गोना लाई अबाउट इट। जब भी हम बाहर जाते थे तो मतलब लड़कियाँ आती थी, ऑटोग्राफ फोटो, मतलब बीच बीच में हम बात करे थे तो कोई आ जाता था बीच में, तो मेरे लिए था थोड़ा मुश्किल, इट वॉज न्यू टू मी। लेकिन अभी इतने साल हो गए एंड नाउ इट्स इनसिक्योरिटी कभी हुई? नहीं नहीं वैसे नहीं, बिकॉज इकबाल जब भी शूट करते थे, इनफैक्ट वो उस टाइम इतने बिजी थे बिकॉज कभी वो दो शो कर रहे थे या कभी एक टाइम पे तीन शो कर रहे थे, बट वो मुझे सरप्राइज करते ही थे, चाहे 6 बजे सुबह में हो या रात के 12 बजे आएंगे आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, मतलब ही वुड गो आउट ऑफ हिज वे टू मेक मी फील सिक्योर एंड आई थिंक दैट हेल्प्ड। कैसा है एज अ हस्बैंड? हम तो इसे एज अ फ्रेंड जानते हैं। एज अ हस्बैंड मतलब आई कुड हैव आस्क्ड फॉर समथिंग लेसर बट आई गॉट मोर। मतलब मतलब जब से हमारी शादी हुई है इट्स बीन लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रादर। जब भी हम हैं साथ में, घर पे है, इफ ही इज नॉट वर्किंग एंड ही इज एट होम, इट्स ओनली अबाउट फैमिली। मैं और अमारा बस उनके लिए वो ही है। अगर मैं भी बिजी हूँ घर में तो बस अमारा के लिए, तो शी डजंट नीड अ फ्रेंड। उसके लिए फ्रेंड की जरूरत नहीं जब दादा है घर पे। तो ये तो हम सुन रहे हैं तुम दोनों से कि तुम्हारी लाइफ कैसी है, एक बार एक झलक भी देख लेते हैं। लेट्स हैव अ ग्लिम्स ऑफ इकबाल एंड स्नेहा'स पर्सनल लाइफ। द टाइगर लव्स द कपकेक्स लुक्स लाइक। या ही द कपकेक्स। डू यू लाइक कपकेक्स? नो। आई जस्ट मेट अ गर्ल एंड शी इज फ्रॉम वुलुमुलु वुलुमुलु वांडर। आई कैन डांस शी कैन सिंग एंड रॉक द होल नाइट लॉन्ग। वुलुमुलु वुलुमुलु वुलुमुलु। इतनों के बगैर। वुलुमुलु वुलुमुलु I want to ask something. Bola. You guys have set unrealistic goals in life, but I really want to know, yeah, what is the secret? What is the secret ke mujhe nahi lagta koi bhi rishta hai na ban jata hai, use nibhana padta hai, right? Yes, of course. What is the secret of this? Dona, what is the secret of what you have? Mujhe aisa lagta hai if you constantly agar aap apne creator ke touch mein rehte hai na to cheeze theek hote jati hain apne aap by default. Mujhe aisa lagta hai. Ji, aapko kya lagta hai? आई एग्री विथ हिम, लेकिन इसके अलावा भी अभी 11 साल हो गए शादी को, तो थोड़ा वो चेंजेस लाने होते हैं खुद के लाइफस्टाइल में। मैं जैसे अभी कुछ चीज़ें करती हूँ जो मुझे पता है इनको पसंद आएगी, कुछ चीज़ें नहीं करती हूँ जो मुझे पता है इनको पसंद नहीं आएगी, और सेम थिंग फॉर हिम। सो आई गेस दैट्स व्हाट बैलेंसेस रिलेशनशिप। जो जल्दी शादी करने में ना You grow together. Yes, you grow together. जो आपके negative, positive चीजें होती हैं ना, वो आपस में वो solve हो जाती हैं। लेकिन जितना late करते हो ना आप, तो आपको ना फिर एक नहीं यार उसका तो वो जूते ऐसे फेंक देता है। और I think you are also somewhere then stuck up with your habits. समझे इसलिए नहीं होगा हमारा। पर मेरा tip ये है तेरे को एजाज, because I really feel कि जब आपको ना life में सही इंसान मिलता है ना, ऐसा मेरा मानना, आपको जरा सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप होता है।
एवरीथिंग हैपेंस ऑन इट्स ओन देन यू नो कभी सोचता थोड़ी ना कि हम शादी के बाद में ऐसा बन जाऊंगा मैं चेंज कर लूंगा मैं बाहर नहीं जाऊंगा मैं ये नहीं करूंगा इज नो गाइडलाइन थोड़ी ना होती है सामने वाला इंस्पायर करता है और आप करते जाते हैं और जब तक इंस्पायर करता है तब तक रिश्ते बने रहते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी एजाज आई होप दैट यू गेट हैप्पीनेस इन लाइफ यार एज सिंपल एज दैट स्नेहा फर्स्ट टाइम जब तुम लोग मिले थे तब इसने तुम्हारे साथ में डांस किया करेक्ट उसके बाद फिर कभी डांस किया नो मैंने भी डांस कब कभी बाहर गेम में कुछ किया कोई बात नहीं यहाँ मत लड़ो जब मैं एक मोमेंट यहाँ पे जरूर देता हूँ स्नेहा एंड आई नो दिस वन विल कम स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इसमें ना तो स्टेप्स की जरूरत है इट्स जस्ट अबाउट बीइंग टुगेदर तो एक मोमेंट इकबाल एक बार वापस दिखा दे यू नो कितने साल 15 साल 16 साल के बाद में हाउ द टू ऑफ यू एक्चुअली लुक लाइक बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड Thank you. Actually, very, very nice. Thank you so much for coming on the show, yaar. You know, बड़ा अच्छा लगता है मैं of course बहुत सारे guests से मिलता हूँ लेकिन एक अलग सी एक गर्मजोशी आती है एक अलग सी excitement होती है when people you know you can talk to. मैं बड़ा एक बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि पहले तो हम van में मिले हम सब के सब you know and we catch up with our lost days. And I really think कि हमें आने वाले समय में we should stay in touch. We should work together, yaar. Yeah, we should work together. Three Khan. Yes. Sorry, two Khans and one Khandelwal. Good one. तो ये थे एजाज और इकबाल अलग आदतें अलग अंदाज दो अलग इंसान लेकिन इन दोनों में जो कॉमन है वो है जिंदगी के प्रति अपने काम के प्रति इनका ईमान फिलहाल मैं आपसे लेता हूं इजाजत अगले एपिसोड में एक और जज्बाती जिंदगी के साथ मैं हाजिर हूंगा तब तक के लिए टड़ा खुश रहिए मुस्कुराते रहिए थैंक यू सो मच Please welcome the lovely, lovely. Thank you so much for coming on the show. How are you? अच्छे हैं. क्या हो रहा है यार? बहुत खूबसूरत हैं आप. Bye. Please welcome Iqbal Khan's lovely wife. अच्छा वो सारी वो तो है नहीं sir. Okay. Bye. जब भाई तू non-stop करना तेरे को तो कम से कम hold करना तू. Yeah. अब बड़ा मुश्किल है. इसे मैं कोटे डालूँगी. कैसे? How do you do it?